हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग ट्रांसलेशन की बात करेंगे। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा, जिसमें हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे, वो ट्रांसलेशन मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब पर आधारित होंगे। मतलब कि हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करके किस प्रकार के वाक्य को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये इंग्लिश से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं, ये आपको यूएस वर्चुअल कैंपस पर अवेलेबल हैं, और जीके से संबंधित जो भी वीडियो हैं वो आपको मिलेंगे हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है एसएससी जीके हब, जिसका नाम है एसएससी जीके हब, ठीक है ना। हमारा ये जो दूसरा चैनल है, इस पर आपको जीके से संबंधित आपको वीडियोज अवेलेबल है। और यूएस वर्चुअल कैंपस में अभी हम लोग अंग्रेजी के वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको अगर इंग्लिश का अगर वीडियो की जरूरत है, तो इसके लिए आपका जो अभी वर्तमान में जो चैनल पर हम लोग बात कर रहे हैं, यूएस वर्चुअल कैंपस, उस पर आप जाइए। और यदि आपको जीके का अगर आपको वीडियो की जरूरत है, जीके के कंटेंट की जरूरत है, जीके का मटेरियल अगर आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको जाना होगा एसएससी जीके हब के ऊपर। चलिए, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरी, विशेष तौर पर हम लोग शुड का चर्चा इसमें ज्यादा करेंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग किन किन मॉडल्स को लेकर चलेंगे, तो उसमें कुछ मॉडल्स हैं, जैसे कि अगर मॉडल्स की बात किया जाए, तो उस कौन कौन से मॉडल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो हैड बेटर है ना, इसका इस्तेमाल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे कांट हेल्प के बारे में, कि कांट हेल्प का हम कैसे यूज करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ मैटर होंगे है ना, कुड और शुड को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बात होंगे, कुड वुड और शुड को लेकर के। और इसके बाद हम लोग ज्यादातर बात करेंगे शुड को लेकर के, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि आज हम लोग इतने चीजों को देखेंगे, इस पर आधारित तो वाक्य हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा हम इस चीज को लेकर चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैड बेटर। देखिए, है टाइप वन, पहले हम लोग आज का सबसे पहले टाइप वन देखते हैं कि हमारा टाइप वन वाक्य किस तरह से होना चाहिए। टाइप ए में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर वाक्य अगर इस प्रकार से हो, है ना, अच्छा होता कि, ठीक है ना, अगर वाक में अगर आपका अगर हिंदी अगर अगर आज इस तरह से अच्छा होता कि, अच्छा होता उसमें कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, कि होना जरूरी नहीं है, मतलब अच्छा होता अगर हमारा, चूंकि ये जो चीज है ना, ये एडवाइस को दिखला रहा है, ठीक है ना। जैसे अब इस पर कुछ हम लोग आधारित तो वाक्यों को पहले देखेंगे, तब ये समझ में आएगा कि टाइप ए है ना किस प्रकार के सेंटेंस इससे निर्मित होंगे, टाइप ए से किस प्रकार के सेंटेंस निर्मित होते हैं। चलिए, अब इस पर कुछ हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। चलिए, अच्छा होता कि, ठीक है ना, अच्छा होता कि आप डॉक्टर से मिल लेते, आप डॉक्टर से मिल लेते। चलिए, मिल लेते एक ही चीज है, ठीक है ना, मिल लीजिए, अच्छा मिल लेते एक ही चीज है। चलिए, हम लोग कुछ और वाक्य देखते हैं। अच्छा होता कि, अगर इस प्रकार से अगर हिंदी दिया हो, ठीक है ना, अच्छा होता कि अंधकार होने से पहले है ना हम लोग चले जाते, इस तरह से कोई वाक्य है, ठीक है ना। चलिए, कुछ और वाक्य को देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी को कह रहा है, आसमान काला है, ठीक है ना, अच्छा होता कि तुम छाता के साथ जाते, ऐसा भी हो सकता है, तुम छाता ले लेते या छाता के साथ जाते। चलिए, एक और वाक्य देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा होता कि तुम अपना भार कम करने के लिए कम चावल खाते। चलिए,
देखिए ये सभी बातें और इस तरह की बातें और भी हो सकती है, ठीक है ना। ये तो चार मैंने उदाहरण लिया है आपको ये बात को क्लियरली समझाने के लिए। देखिए इसमें क्या है ना कि यदि कोई वाक्य अगर स्टार्ट हो अच्छा होता कि है ना, मतलब एक तरह से आपको एडवाइस किया जा रहा है, तो ये जितने भी वाक्य हैं जिसमें अच्छा होता कि है ना दिया गया हो, ये सभी के सभी वाक्य बनते हैं एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैड बेटर। वो एक्चुअली वो हैड बेटर का इस्तेमाल हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है ना। अच्छा होता कि हमारा वाक्य कैसे बनेगा, अगर हम इस वाक्य को बनाने की बात सोचे तो अच्छा होता कि हमारा वाक्य बनेगा हैड बेटर के प्रयोग से। यानी कि जहां जहां अगर अच्छा होता कि अगर बात है तो इसके लिए हम हैड बेटर का प्रयोग करते हैं। अच्छा ये हैड बेटर, ये जो हैड है ना ये पास्ट परफेक्ट वाला हैड नहीं है, हैड बेटर एक सिंगल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें कहना है ना एक तरह के एडवाइस देना है। ये क्या दिखलाता, अच्छा होता कि ये क्या दिखला रहा है, ये दिखला रहा है एडवाइस दिखला रहा है, आपको एक तरह का सलाह दिया जा रहा है, ठीक है ना, इससे एडवाइस का बोध हो रहा है। चलिए अब इन सारे वाक्यों को देखते हैं कि ये सारे वाक्य कैसे बनेंगे। अच्छा होता कि आप डॉक्टर से मिल लेते हैं या मिल लें, ठीक है ना। चलिए ये तो आप सब्जेक्ट तो होना चाहिए ना, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, ये कैसे लिखेंगे, यू हैड बेटर। चलिए यू हैड बेटर है ना, चलिए ये तो हो गया कि तुम्हारे लिए अच्छा होता, मतलब ये सेकंड पर्सन को कहा जा रहा है ना, यू हैड बेटर है ना सी या कंसल्ट, यहाँ जो भी हमको लिखना है लिख सकते हैं, यू हैड बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर, ठीक है ना। चलिए हमारा वाक्य इस तरह से बन गया, अच्छा होता कि तुम डॉक्टर से मिल लेते। चलिए अच्छा होता कि अंधकार होने से पहले हम लोग चले जाते, अगर ऐसा हमको कहना है। चलिए ये हम लोग के लिए है, ठीक है ना, ये हम लोग के लिए है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, वी होगा। चलिए वी हैड बेटर, ठीक है ना। चलिए अच्छा होता के लिए क्या अंग्रेजी लिखेंगे, वी हैड बेटर। और देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का सबसे बड़ा खूबी क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जितने भी होते हैं, ठीक है ना, इनके बाद सीधे वी वन की जरूरत है, इनके बाद सीधे और सीधे वी वन की जरूरत है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सीधे और सीधे वी वन चाहिए। तो वी हैड बेटर, चलिए अच्छा होता कि अंधकार होने से पहले हम लोग चले जाते, जाना, तो गो लिखेंगे, ये हैड के कारण गो नहीं लिखेंगे, इसको समझना होगा। ये जो हैड है ना ये पास्ट परफेक्ट वाला हैड नहीं है, ये हैड बेटर एक सिंगल है ना, एक सिंगल मॉडल की तरह इस्तेमाल होता है। तो चलिए कैसे लिखेंगे, वी हैड बेटर गो बिफोर, ठीक है ना, इट गेट्स डार्क। तो इस तरह के जितने भी वाक्य हैं जिसमें कि अच्छा होता है कि बात कही जाए, वो सभी के सभी बनते हैं हैड बेटर के प्रयोग से। चलिए हम आगे भी देखते हैं, आसमान काला है, अच्छा होता कि तुम छाता के साथ जाते, ठीक है, या छाता ले लेते, ऐसा भी हो सकता है छाता ले लेते। देखिए थोड़ा सा एक्सप्रेशन बदल सकता है लेकिन भाव एक ही है। चलिए आसमान काला है, पहले हम इतना उठाएंगे, कैसे लिखेंगे, द स्काई इज ब्लैक। ये तो कोई टफ नहीं है, तो आसान है। चलिए अच्छा होता कि तुम, ये तुम्हारे लिए कहा गया है, कैसे इसको लिखा जाता, यू हैड बेटर, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखते, यू हैड बेटर गो विथ अम्ब्रेला, ठीक है ना, तुम कैसे जाते, तो तुम अम्ब्रेला के साथ जाते, अम्ब्रेला लेकर के जाते। चलिए तो विथ, चलिए तो चलिए इतना काफी है, द स्काई इज ब्लैक। यहाँ पर हमें हैड बेटर का प्रयोग समझना है, हैड बेटर का मतलब होता है कि, ठीक है ना, अच्छा होता कि, चलिए अच्छा होता कि तुम अपना भार कम करने के लिए कम चावल खाते, ये किसी को सलाह दिया जा रहा है। चलिए तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट तुम है, तो यहाँ पर यू होना चाहिए, कैसे लिखेंगे, यू हैड बेटर, ठीक है ना। चलिए इट लेस राइस, ठीक है ना, टू रिड्यूस योर वेट, रिड्यूस मतलब कम करना। चलिए तो ये हमारा, ये पूरा वाक्य हमारा डील हो गया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जितने भी सेंटेंस में अच्छा होता कि बात आ जाए, वो सभी के सभी बनेंगे हैड बेटर से। चलिए ये हमारा टाइप ए था, टाइप हम लोग बी की ओर देखते हैं कि टाइप हमारा बी क्या है। देखिए अब हम लोग टाइप बी ट्रांसलेशन की ओर मूव करते हैं। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे है ना कांट हेल्प, है ना, बी में देखेंगे कांट हेल्प। देखिए कांट हेल्प ये प्रेजेंट में हो जाएगा और पास्ट में हो जाएगा कुड नॉट हेल्प, है ना, कांट हेल्प और कुडंट हेल्प, ठीक है ना। चलिए अब देखिए किस तरह के वाक्य इससे बनते हैं, है ना, किस तरह के वाक्य में हम कांट हेल्प का प्रयोग करते हैं। देखिए जब आप कोई काम करने से खुद को नहीं रोक पाते हैं, है ना, मतलब आप उसको जरूर करते हैं कि ये बगैर नहीं रह पाते हैं, खुद को नहीं रोक पाना मतलब उसको जरूर करना। चलिए इसका प्रयोग हम किस बात को कहने के लिए करते हैं, जब आप कोई काम को कर पाने से खुद को नहीं रोक पाते हैं, आप मतलब आप उसको जरूर और जरूर करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका हिंदी क्या होगा, कांट हेल्प का मतलब क्या, कांट हेल्प का हिंदी क्या होगा, ठीक है ना, स्वयं को नहीं रोक पाना, ठीक है ना, कोई काम करने से मतलब आप उसको जरूर आप करेंगे, ठीक है ना, या जरूर करना, है ना, उस है ना क्रिया को जरूर करना,
क्रिया को जरूर करना। चलिए, हमको अगर इस तरह का कोई बात कहना है कि हम उसको किए बगैर नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना, तो ये बात बनता है कांट हेल्प से। और बड़ा बात यहां देखा जाए कि कांट हेल्प के बाद, चलिए एक बहुत बड़ा चीज है कि कांट हेल्प के बाद, ठीक है ना, यदि वर्ब आएगा, ठीक है ना, अब कैन नॉट तो आप समझ रहे मॉडल है, कांट हेल्प के बाद जो वर्ब आएगा ना, तो उसका वर्ब का चौथा रूप लिखेंगे, पहला रूप नहीं लिखिए, कांट हेल्प के बाद जो वर्ब का चौथा रूप लिखते हैं। अब इसे वाक्य से हम लोग समझें, अब इस चीज को ना हम लोग वाक्य से समझें, जैसे कि अगर कह रहा है कि मैं उस पर हंसने से नहीं रोक सका, नहीं रोक सका मतलब खुद को नहीं रोक सका, है ना, बात यह है, ठीक है ना, मतलब हंसी आ ही गई, ठीक है ना, या मैं हंसे बगैर नहीं रह पाया, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं उस पर हंसे बगैर नहीं रह पाया। चलिए, हंसे बगैर नहीं रह पाया, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही चीज है कि मैंने उस पर हंस दिया, ठीक है। चलिए कुछ और वाक्य देखते हैं, अगर हमको कहना है कि वह मुझे तंग किए बगैर नहीं रह सकता है, ठीक है ना, कोई व्यक्ति के बारे में है कि वह मुझे तंग किए बगैर नहीं रह सकता है। चलिए, अगर इस तरह का वाक्य है कि अगर आप कोई काम को किए बगैर नहीं रह पाते हैं या खुद को नहीं रोक पाते हैं, तो ये सारी बात बनेगा कांट हेल्प से, और कांट हेल्प के बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो बिफोर चाहिए, ठीक है। चलिए, मैं उस पर हंसने से नहीं रोक सका अपने आप को, ठीक है ना, मैं उस पर हंसे बगैर नहीं रह पाया, सबका मतलब एक ही है। चलिए, इनको कैसे बनाया जाएगा, अगर बनाने की बात आ जाएगी तो आई पास्ट टेंस है, तो आई कुडंट हेल्प होना चाहिए ना, कैन नॉट पास्ट टेंस में क्या बदल जाएगा, कुडंट हेल्प। चलिए, और लाफ का इस्तेमाल करना है तो कैसे लिखेंगे, लाफिंग, है ना, बिफोर चाहिए ना हमें, तो कैसे हमारा पूरा सेंटेंस इस प्रकार से बना, आई कुडंट हेल्प लाफिंग एट हिम। चलिए, वो मुझे तंग किए बगैर नहीं रह सकता, मतलब जरूर मुझे तंग करेगा, अपने आप को रोक नहीं पाएगा मुझे तंग करने से, ये वाक्य कैसे बनेगा, ही, चलिए प्रेजेंट में है, सकता है, तो कांट हेल्प, ही कांट हेल्प। और अगर मान लीजिए कि अगर हम तंग करने के लिए टीज लेते हैं, टीज मतलब होता है तंग करना, तो हेल्प कांट हेल्प के बाद क्या चाहिए, कांट हेल्प के बाद हमें बिफोर चाहिए, नहीं, तो हमारा पूरा लाइन इस तरह से बनेगा, ही कांट हेल्प टीजिंग मी। तो इस तरह के जितने भी वाक्य हैं वो सभी कांट हेल्प से बनते हैं, जब आप कोई काम को किए बगैर नहीं रह पाते हैं, मतलब आप उसको जरूर और जरूर करते हैं, ठीक है ना, वो सिगरेट पिए बगैर नहीं रह सकता है, मर जाएगा, अगर सिगरेट नहीं पिएगा तो मर जाएगा, हमको ऐसा लिखना है, ठीक है ना, वो सिगरेट पिए बगैर नहीं रह सकता है, अगर उसको सिगरेट नहीं मिले तो वो मर जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वो या वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगा सिगरेट पीने से, बात कई तरह के किए जा सकते हैं। देखिए, हम यहाँ एक हिंदी बोल रहे हैं जबकि इसी वाक्य के चार हिंदी और भी हो सकते हैं, लेकिन भाव एक ही होगा, ठीक है ना, भले आप हिंदी का और आप रूप दे दें लेकिन भाव एक ही होगा। चलिए, वो सिगरेट पिए बगैर नहीं रह सकता है, मतलब वो जरूर सिगरेट पिएगा, ठीक है ना, वो सिगरेट पिए बगैर नहीं रह सकता है, नहीं रह सकता। हमको कोई वाक्य ऐसा बनाना है कि कोई व्यक्ति जो है ना वो जरूर जरूर सिगरेट पिएगा, सिगरेट पिए बगैर नहीं रह सकता है। आप इसको कैसे बनाएंगे, ही कांट हेल्प, सकता है प्रेजेंट में हमें दिखाई दे रहा है, ही कांट हेल्प। चलिए, अब स्मोक मतलब होता है धूम्रपान करना, तो कांट हेल्प के बाद वर्ब कौन सा चाहिए, बिफोर चाहिए ना। अब हमारा ये पूरा वाक्य इस तरह से बनेगा, ही कांट हेल्प स्मोकिंग सिगरेट्स। चलिए, सिगरेट्स को मैंने प्लुरल वे में कर दिया, तो हमारा ये कांट हेल्प का यूज रहा। चलिए, हम लोग थ्री में आते हैं, देखते हैं कि हमारा सेंटेंस का टाइप थ्री क्या है। देखिए, टाइप थ्री कहता है, ए बी सी था, चलिए बी था, सॉरी सी हो जाएगा, टाइप सी हो जाएगा। चलिए, टाइप सी में देखते हैं। देखिए, अगर हमें कहना है ताकि, अगर किसी वाक्य में है ताकि है, ठीक है ना, ताकि है और ताकि है, ठीक है ना, तो ताकि वाले वाक्य कैसे बनते हैं। देखिए, ताकि वाले वाक्य दो तरह से बनते हैं, ताकि वाले बात ना हम दो तरीके से बनाते हैं, इन ऑर्डर दैट और सो दैट, थोड़ा ध्यान दिया जाए, है ना। ताकि वाला वाक्य कैसे बनता है, इन ऑर्डर दैट, है ना, इन ऑर्डर दैट या सो दैट। चलिए, और इसके बाद हम कौन सा मॉडल इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुड, इसके बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं वुड, और इसके बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं सूड, मतलब तीनों में से आपको एक इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर दैट और सो दैट के बाद। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि कोई सेंटेंस में यदि ताकि दिया गया हो,
तो ये बात बन सकता है इन ऑर्डर दैट और सो दैट से, ये तो ताकि के लिए, लेकिन ताकि के आगे क्या जाएगा, ताकि के आगे में हमारे पास तीन विकल्प है, हम कुड लिख सकते हैं, हम वुड लिख सकते हैं, हम शुड लिख सकते हैं, हमारी जो इच्छा है हम वो लिख सकते हैं। थोड़ा लैंग्वेज के डिमांड को भी नजर में रखना चाहिए। चलिए वाक्य को देख सकते हैं कि ये वाक्य किस प्रकार के वाक्य होंगे। चलिए, उसने सभी पत्रों को जला दिया, सभी पत्रों को जला दिया ताकि उसका पति उन्हें कभी नहीं पढ़ सके, उन्हें कभी नहीं पढ़ सके। चलिए एक वाक्य ये रहा, एक और वाक्य लेते हैं। उसने रविवार को एक मीटिंग आयोजित किया ताकि है ना सभी मीटिंग में आ सके। चलिए देखिए, अब इस तरह के कई वाक्य हो सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह के एक नहीं, इस तरह के अनगिनत वाक्य हो सकते हैं, लेकिन ये जो दो दिया गया ना, ये सैंपल के रूप में नमूना के तौर पर दिया गया है। देखिए इन वाक्य में पहले क्या है, पहले ये देखना चाहते कि इन वाक्य में क्या क्या शब्द मौजूद है। देखिए, उसने सभी पत्र को जला दिया, कोई पहले का लेटर होगा, ठीक है ना, ताकि, देखिए हाँ इसमें ताकि है, तो जिस वाक्य में ताकि आ जाए, जैसे कि उसने रविवार को एक मीटिंग आयोजित किया ताकि सभी मीटिंग में आ सके, है ना। तो चलिए, इस तरह के ताकि के जितने भी वाक्य हैं वो सभी किन फ्रेजेस से बनते हैं, तो उसके लिए है हमारे पास दो विकल्प है, इन ऑर्डर दैट और सो दैट, और इसके बाद हमें इनका यूज करना पड़े है ना, चाहिए रिक्वायरमेंट के आधार पर। जैसे उसने सभी पत्रों को जला दिया, पल इतना पहले भाग बनाते, सिंपल पास्ट टेंस है, तो कैसे लिखेंगे, सी बर्न्ड, बर मतलब जलाना, ऑल लेटर्स, चलिए सी बर्न्ड ऑल लेटर्स, उसने सभी पत्रों को जला दिया ताकि के लिए, चलिए सो दैट हम लिख रहे हैं, है ना, ताकि के लिए हम सो दैट लिख रहे हैं, उसका पति है ना उन्हें कभी नहीं पढ़ सके, मतलब उन लेटर को कभी नहीं पढ़ सके, सो दैट हर हस्बैंड। चलिए अब देखिए, यहां पर हम तीन में से एक लगाएंगे, बढ़िया जो होगा वो कुड होगा या वुड होगा, ठीक है ना। चलिए, सो दैट हर हस्बैंड वुड नॉट है ना, या वुड नेवर है ना, चलिए रेड देम, वुड नेवर रेड देम। चलिए, तो ये हमारा ये वाक्य क्लियर हो गया। देखिए, सो दैट है, सो दैट के बाद हम वुड कुड शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने यहाँ वुड ले लिया, कभी नहीं के लिए हमारे पास नेवर है। चलिए, तो ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। किस तरह से सेंटेंस बना है, सी बर्न ऑल लेटर्स, उसने सभी पत्रों को जला दिया, सो दैट ताकि हर हस्बैंड वुड नेवर रीड देम, है ना, देम आया है लेटर्स के लिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं, उसने रविवार को एक मीटिंग आयोजित किया ताकि ना सभी मीटिंग में आ सके। चलिए, हमको मेन भाग इतना ही लेके चलना है, लेकिन हम पूरा सेंटेंस को डील करते हैं। उसने रविवार को एक मीटिंग आयोजित किया, कैसे लिखेंगे, ही अरेंज्ड ए मीटिंग ऑन संडे, ठीक है ना, उसने रविवार को मीटिंग आयोजित किया, है ना, इन ऑर्डर दैट, चलिए सो दैट भी लिख सकते हैं, इन ऑर्डर दैट। चलिए अब हम यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, है ना, इन ऑर्डर दैट सभी कोई, है ना, एवरीवन, यहां वुड कुड शुड, है ना, हम कोई भी, चलिए हमारा मन किया शुड लिखने का, मैंने शुड लिख दिया, है ना, एवरीवन शुड अटेंड, है ना, आने के लिए अटेंड है, अटेंड इट मीटिंग के लिए है। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कैसे हमने लिखा, ही अरेंज्ड ए मीटिंग ऑन संडे, उसने संडे को मीटिंग आयोजित किया, इन ऑर्डर दैट, ठीक है ना, एवरीवन शुड अटेंड इट, कि उसमें सभी अटेंड हो सके। चलिए एक और हिंदी देखते हैं इसको और बेहतर समझने के लिए, ठीक है ना। चलिए, उसने, हमको कहना है, उसने ऑफिस के सटे एक रूम भाड़े पर लिया, ठीक है ना, ताकि वह ऑफिस समय पर पहुंचे। चलिए अब देखिए, यहां भी है ताकि,
ठीक है ना। तो ये ताकि वाले जितने भी वाक्य होते हैं वो सभी बनते हैं सो दैट से, इन ऑर्डर दैट से, चलिए सो एज टू से भी बन सकते हैं। हाँ, और भी तरीका है, अगर कहा जाए कि अगर आप ये बात करते कि सर ताकि के लिए और भी तरीका है, बिल्कुल और भी तरीका है, ऐसा नहीं है कि हम केवल इतना ही तरीका से हम ताकि कह सकते हैं, लेकिन ये कॉमन ये वे है, ये कॉमन वे है। आपको इस तरह के ना, आपको इंग्लिश में बार बार इस तरह के वाक्य आपको पढ़ने को मिलेंगे। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, ये वाक्य कैसे बनेगा। उसने ऑफिस के सटे एक रूम भाड़े पर लिया। चलिए उसने पहले भाड़े पर लिया, ही हायर्ड, ठीक है ना, ए रूम है ना, चलिए है ना, क्लोज टू हिज ऑफिस है ना, क्लोज टू हिज ऑफिस। थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसका हिंदी क्या निकलेगा, इसका हिंदी निकलेगा कि उसने ऑफिस के नजदीक एक कमरा भाड़े पर लिया, सो दैट, ताकि, चलिए सो दैट ही, चलिए ही, यहाँ पर वुड कूड सुड हम तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ही वुड रीच है ना, चलिए रीच द ऑफिस, ठीक है ना, ऑन टाइम, ऑन टाइम। तो ये हमारा वाक्य रहा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जितने भी ताकि वाले वाक्य हैं वो सभी के सभी बनते हैं सो दैट से, इन ऑर्डर दैट से। इसके बाद आने वाला मॉडल तीन में से जरूरत के हिसाब से और लाइन के टोन के हिसाब से हम चुनाव करते हैं। चलिए अब हम आगे बात को लिखते हैं, कहीं ऐसा ना हो। चलिए टाइप, अगर हम अब आगे बढ़ते हैं टाइप डी, देखिए अब हमारा जो है ना वो है टाइप डी। टाइप डी देखते हैं कि किस प्रकार के वाक्य टाइप डी में होंगे। देखिए इसमें है ना, कहीं ऐसा ना हो, अगर हिंदी है कहीं ऐसा ना हो, चलिए कहीं ऐसा ना हो वाले जितने भी वाक्य हैं वो सभी बनते हैं लिस्ट से, है ना, वो लिस्ट से बनते हैं, और फिर वाक्य के आगे है ना हम सुड का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा ध्यान दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो जितने भी इस तरह के वाक्य हैं वो सभी सभी बनते हैं लिस्ट से। लिस्ट अपने बाद लेता क्या है, एक ही बस मॉडल लेता है। देखिए इन ऑर्डर दैट तीन मॉडल लिया, लेकिन लिस्ट कितना मॉडल लेगा, लिस्ट सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल लेगा सुड, ठीक है। चलिए और इसका हिंदी किस प्रकार से हम लोग देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो, जैसे कि आप इस वाक्य को देखिए, कोई कह रहा है, कुछ वाक्यों को देख लेते हैं, धीमे चलो, धीमे चलो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिसल जाओ, तुम फिसल जाओ। चलिए इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे बनेगा। चलिए और भी बहुत सारे वाक्य हैं, ठीक है ना, चलिए उसे बुलाओ, कह रहा है क्या, कोई कह रहा है उसे बुलाओ, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह चला जाए, वह चला जाए, चलिए है ना, उसकी शिकायत करो, कोई कह रहा है क्या, उसकी शिकायत करो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि वह दोबारा तंग करे, दोबारा तंग करे। चलिए कोई कह रहा है क्या, है ना, तेज दौड़ो, तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग है ना गाड़ी मिस कर जाएं, गाड़ी मिस कर जाए, मतलब गाड़ी छूट जाए, मिस कर जाए। चलिए इस तरह के अनगिनत वाक्य हो सकते हैं, लेकिन बस चार एग्जाम्पल दिया गया है आपको समझाने के दृष्टिकोण से। चलिए अभी इस वाक्य को थोड़ा देखते हैं कि ये वाक्य कैसे डील होंगे। चलिए कह रहा है क्या, कहीं ऐसा ना हो वाक्य कैसे बनता है, सुड लिस्ट से, और लिस्ट के साथ हम सुड का इस्तेमाल करते हैं। एक बात का ध्यान दिया जाए, लिस्ट के अंदर ही नहीं छिपा है, नहीं के लिए अलग से नॉट नहीं देना है। थोड़ा ध्यान से इसको समझा जाए, लिस्ट के अंदर ही नहीं छिपा है, लिस्ट के अंदर ही नॉट छिपा है, ठीक है ना, इसी के अंदर नॉट छिपा है, अलग से नॉट नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। चूंकि हिंदी में ना हर जगह पर देखिएगा कि न न लिखा हुआ है, न न लिखा हुआ है, लेकिन केवल लिस्ट कहने से ही ये बात हो जाएगा। चलिए करें क्या, धीमे चलो, वॉक स्लोली, चलिए जैसे कहा गया वैसे हम करते हैं, वॉक स्लोली, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या कर रहा है भाई, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिसल जाओ, लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो के लिए वाक्य कैसे बनाते हैं, लिस्ट से बनाते हैं, लिस्ट, चलिए यू, अच्छा इसके बाद क्या, कौन सा मॉडल आएगा, सुड स्लिप,
यू शुड स्लीप, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। कोई कह रहा है क्या कि रन स्लोली लेस्ट यू शुड स्लीप, चलिए देखते हैं, उसे बुलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वह चला जाए, कॉल हिम, एकदम आसानी से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ऐसा ना हो। ये कैसे बनेगा, लेस्ट है ना ही है ना गो है ना ही लेस्ट ही गो, कि वह चला जाए, चलिए, या गो अवे भी लिख सकते हैं, चलिए यहां पर थोड़ा सा डाल देते हैं लाइन को अच्छा दिखने के लिए। चलिए उसकी शिकायत करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो दोबारा तंग करे, चलिए उसकी शिकायत करो, पहले इतना तो हम पहले लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे, कंप्लेन अगेंस्ट हिम, कंप्लेन अगेंस्ट हिम, चलिए उसकी शिकायत करो, कहीं ऐसा ना हो, ये वा इतना देखिए इसमें नहीं नहीं भी शामिल है, लेस्ट के साथ नॉट नहीं देते हैं, ठीक है ना, लेस्ट है ना ही है ना ठीक है ना तंग करने के लिए बोदर है ना, बोदर मतलब तंग करना, लेस्ट ही बोदर है ना, लेस्ट ही सुड, सॉरी यहाँ पर एक चीज मिस हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर एक चीज मिस हो रहा है यहाँ भी। हालांकि देखिए एक बात हम आपको बताते हैं, लिस्ट के साथ हम बिना सुड का भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन अगर मॉडल देने की जरूरत पड़ जाए तो फिर सुड, लिस्ट बिना सुड का भी बनता है, लिस्ट के लिए जरूरी नहीं कि हम सुड लिखें ही, लेकिन यदि हमें कोई मॉडल लिखने की आवश्यकता पड़ जाए तो हम कौन सा मॉडल लिखेंगे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यहां पर देखिए लेस के साथ हम सुड लगाते हैं, लेकिन बिना सुड का भी ये वाक्य बन जाएगा, ठीक है ना, ये दोनों तरह से बन जाएगा, सुड के साथ भी बगैर सुड का भी, लेकिन यदि हमें कोई मॉडल लगाने की आवश्यकता पड़े तो फिर हम सुड का प्रयोग करेंगे। चलिए अब यही चीज हम यहां दिखलाना चाहते हैं, देखिए ये वाक्य गलत नहीं है, लेस्ट ही गो अवे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस्ट ही सुड है ना गो अवे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, एक बार फिर से इसको दोहराना चाहता हूं, लिस्ट वाला वाक्य जो होगा, लिस्ट वाला वाक्य ठीक है ना बिना सुड का भी बन सकता है ना, बिना सुड का भी बन सकता है, ध्यान देने वाली बात है, सुड का भी बन सकता है, ये जरूरी नहीं कि हम सुड लिखें, लेकिन सुड लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, लिस्ट वाला वाक्य बिना सुड का भी बन सकता है। अब देखिए कह रहा है क्या, कंप्लेन अगेंस्ट हिम, लिस्ट ही बोदर है ना, लिस्ट ही है ना बोदर, चाहे सुड, हम सुड लगा सकते हैं तो वह छोड़ सकते हैं, मर्जी की बातें हैं, लेस्ट ही सुड बोदर यू अगेन, बोदर यू अगेन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेस्ट के बाद लेस्ट वाला वाक्य बिना सुड का भी बन सकता है, और सुड के साथ भी, और सुड के साथ भी, सुड के साथ भी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम साफ साफ बात मेंशन है कि हम लिस्ट के बाद हम सुड लगा सकते हैं तो वह सुड को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन यदि हम कहें कि आप मॉडल का इस्तेमाल करके बनाइए तो मॉडल हम केवल सुड लगाएंगे। चलिए तो ये इस तरह के वाक्य हमारे सारे क्लियर हैं। तेज दौड़ो, कोई कह रहा है कि तेज दौड़ो, रन फास्ट, रन फास्ट, ठीक है ना, चलिए कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट है ना वी सुड, सुड छोड़ भी सकते हैं है ना, वी सुड मिस द ट्रेन, वी सुड मिस द ट्रेन, तो ये हमारे लेस्ट वाले वाक्य बन गए। तो इस तरह के जितने भी वाक्य हैं वो सभी के सभी लिस्ट और आमतौर पर हम सुड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए ये तो हमारा जो टाइप था ये टाइप डी था, टाइप ई में आते हैं, देखते हैं कि टाइप ई हमारा क्या है, हमारा टाइप ई क्या है, किस तरह के वाक्य हम टाइप ई से बनाएंगे। चलिए चलिए देखिए टाइप ई का वाक्य है ना कि को चाहिए कि, देखिए यहां पर कोई, यहां पर कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है ना, को चाहिए, को चाहिए, थोड़ा ध्यान दिया जाए है ना, मतलब यहां पर ये गैप है, ये खाली है, यहां पर कोई सब्जेक्ट हो सकता है, राम को चाहिए, मोहन को चाहिए, मुझे चाहिए, देश को चाहिए, समाज को चाहिए, आप यहां जो रखना है आप रख सकते हैं, इस तरह के जितने भी वाक्य हैं, ठीक है ना, ये कैसे बनते हैं, इट इज, देखिए फिक्स है, इट इज फोर फिक्स होगा, इसके बाद जो यहां सब्जेक्ट है ना वही सब्जेक्ट अब यहां पर आपको लिखना होगा, यानी कि जगह खाली रख देते हैं, और इसके बाद आएगा दैट, की का अंग्रेजी वाक्य में की रहेगा, इसके बाद आएगा दैट, और दैट के बाद आएगा सूट, देखिए अब इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे वो किससे बनेंगे, वो बनेंगे आपके इट इज फोर है ना दैट और सूट से बनेंगे, मतलब इट इज फोर के बाद हम सूट लिखेंगे, हमें दिमाग में ये बात रखना है। अब इस तरह के वाक्य कौन कौन से वाक्य होंगे थोड़ा सा देखते हैं, को चाहिए, ठीक है ना, इसमें क्या है ना को चाहिए, देखते हैं, ठीक है ना, उसे चाहिए कि, थोड़ा टाइप देख लेते हैं वाक्य का, उसे चाहिए कि वह समय पर आए, वह समय पर आए, चलिए बच्चों को चाहिए कि, बच्चों को चाहिए कि वे
माता पिता का आज्ञा माने, माता पिता का आज्ञा माने। चलिए इस तरह के वाक्य हैं, ठीक है ना। विद्यार्थियों को चाहिए कि चलिए थोड़ा सा इसको सरल वे में लिखना चाहते हैं ना, छात्रों को चाहिए कि वे लगन के साथ अध्ययन करें, चलिए एक और वाक्य ले लेते हैं, चलिए ठीक है ना। पड़ोसियों को चाहिए कि वे छोटी छोटी बातों पर ना झगड़े। चलिए इस तरह के अनगिनत वाक्य हो सकते हैं, पहले हमको ये समझना होगा। ये केवल दो चार वाक्य नहीं है, इस तरह के अनगिनत वाक्य हो सकते हैं, लेकिन सबके लिए नियम एक ही होगा, सबके लिए बेसिक बात एक ही होगा। चलिए उसे चाहिए कि वो समय पर है। देखिए अब यहाँ पर आप यहाँ रख दीजिए उसे चाहिए, तो ये वाक्य कैसे बनेगा? इट इज। चलिए उसे चाहिए इतना कैसे यहाँ उठाएंगे? इट इज। चलिए फोर, अब फोर के बाद उसे के लिए हिम लिखना हो ना, ऑब्जेक्टिव केस। चलिए इसके बाद दैट है। चलिए वो समय पर आए, मतलब उस पर उसे समय पर आना चाहिए, इसमें अंदर में ना चाहिए वाली बात है ना, उसे चाहिए कि वो समय पर आए, मतलब समय पर आना चाहिए। तो इट इज फॉर हिम दैट ही। चलिए सुड, स्ट्रक्चर को देख लिया जाए, ठीक है ना। अभी सुड के बाद क्या चाहिए? मॉडल है ना, इसके बाद क्या चाहिए? V1 चाहिए, ठीक है ना। तो इट इज फॉर हिम दैट ही सुड कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, ये हमारा वाक्य रहा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद है बच्चों को चाहिए कि वे माता पिता का आज्ञा माने। चलिए इट इज, ये तो इट इज फिक्स है। चाहे सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो बातें हैं ना, ये फिक्स बातें हैं, इसमें कोई तरह का बदलाव नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे? इट इज, ठीक है ना, फॉर चिल्ड्रेन, इट इज फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों को चाहिए कि, है ना। अच्छा इसके बाद क्या आएगा? दैट आएगा ना, इसके बाद दैट आएगा, दैट है ना। दे सुड है ना, वे के लिए क्या लिखेंगे? दे सुड। दे के बाद क्या आना चाहिए? सुड, ठीक है ना। ओबे है ना, दे सुड ओबे देयर पेरेंट्स, है ना, देयर पेरेंट्स। चलिए वे अपने, यहां पर अपने आप डाल दीजिए, वे अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें, आज्ञा माने। चलिए इसके बाद देखिएगा, छात्रों को चाहिए कि वे लगन के साथ अध्ययन करें, कैसे लिखेंगे? इट इज, ये वाक्य कैसे बनेगा? इट इज फॉर है ना स्टूडेंट्स, इट इज फॉर स्टूडेंट्स, है ना। इसके बाद क्या है? दैट है ना। चलिए इट इज फॉर स्टूडेंट्स दैट, ठीक है ना। दे सुड, दे के बाद क्या आएगा? सुड स्टडी, है ना, अध्ययन करने के लिए क्या वर्ड है? स्टडी। किसके साथ? लगन के साथ ना, तो विथ डिवोशन, डिवोशन का मतलब लगन होता है, ठीक है, विथ डिवोशन। चलिए हम आगे बात को देखते हैं क्या है। पड़ोसियों को चाहिए कि वे छोटी छोटी बात पर ना झगड़े, इसको कैसे लिखेंगे? इट इज, ये तो फिक्स रहेगा, इतना समझ में आ रहा है। इट इज फॉर नेबर्स, नेबर्स मतलब पड़ोसी, ठीक है ना। इट इज नेबर्स, इट इज फॉर नेबर्स दैट, है ना, दे शुड नॉट, है ना, दैट दे। चलिए क्या आएगा? इट इज फॉर के बाद क्या आएगा? शुड आएगा, ठीक है ना, दे शुड नॉट। चलिए क्वारेल ओवर, क्वारेल ओवर, ठीक है ना, ट्रिवियल्स, है ना, या ट्रिफलिंग्स, ट्रिफलिंग्स मतलब छोटी मोटी बातें, बेकार की बातें, है ना, ट्रिफलिंग्स। चलिए तो बच्चों ये हमारा इस तरह का वाक्य बना, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि यदि आपको अगर कहना है कि कुछ चाहिए, है ना, राम को चाहिए, मोहन को चाहिए, देश को चाहिए, हमें चाहिए, समाज को चाहिए, ये सारी की सारी बातें हम लोग इस स्ट्रक्चर से डील करेंगे। चलिए एक और हम लोग टाइप लेके अभी चलते हैं, है ना। चलिए ये हमारा टाइप था, टाइप ई, टाइप एफ में आते हैं, देखते हैं कि टाइप एफ हमारा क्या है। हमारा टाइप एफ क्या है? देखिए यदि वाक्य में हो, है ना, यदि वाक्य की शुरुआत हो यदि से और अगर से, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यदि वाक्य की शुरुआत हो, है ना, यदि या अगर से, और वाक्य के मतलब वाक्य में शामिल हो पास, पास होना, ठीक है ना, वाक्य में, है ना, क्या शामिल हो? पास हो, मतलब वाक्य में शामिल हो, पास हो, तो ये वाक्य बनता है सुड प्लस भीवन से। तो ये वाक्य बनता है सुड प्लस मॉडल है, तो मॉडल है तो मॉडल के बाद अभी वन आएगा ही, तो इसमें रटने की क्या बात है। कहने का मतलब है कि यदि कोई वाक्य की स्टार्टिंग, शुरुआत अगर यदि या अगर से हो और वाक्य के अंदर पास हो, लगा हो,
तो ये वाक्य बनेगा शुड प्लस भी वन से, जैसे एग्जाम्पल से आप इसको बेहतर समझेंगे, ठीक है ना। यदि तुम्हारे पास समय हो, देखिए कोई कह रहा है क्या, चलिए यदि तुम्हारे पास समय हो, यदि तुम्हारे पास समय हो तो मुझसे है ना मिल लेना। देखिए इसमें चाहिए का बात है, ठीक है ना। कोई कह रहा है कि यदि समय होगा तो मिल लेना, यदि तुम्हारे पास समय हो तो तुमसे मुझसे मिल लेना, कोई कह रहा है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे हम, यदि तुम्हारे पास समय हो तो मुझसे मिल लेना, यदि या अगर से कोई वाक्य अगर स्टार्ट हो, ठीक है ना। तो ये तो वाक्य इफ से बनेगा, यहां तो ठीक है, इस वाक्य के अंदर क्या कैसे बनेगा, शुड प्लस भी वन से। चलिए यदि तुम्हारे पास समय हो तो कैसे लिखेंगे, इफ यू हैव, ठीक है ना, टाइम, यदि तुम्हारे पास समय हो, चलिए अब तुम मुझसे मिल लेना, मतलब तुम्हें मुझसे मिल लेना चाहिए, यू शुड, ठीक है ना, सी मी, कंसल्ट मी, मीट मी, जो भी आप लिखना चाहते हैं, मिलने के लिए, भेंट करने के लिए आप लिख सकते हैं। चलिए कहने का मतलब है कि इस तरह के जितने भी वाक्य हो तो वो सारी की सारी बात बनेंगे शुड प्लस भी वन से। कुछ और वाक्यों को देख लिया जाए, यदि यदि है ना मोहन के पास, मोहन के पास नया कोट हो, नया कोट हो तो वह है ना पहने, तो वह पहने, यदि तुम्हारे पास, यदि तुम्हारे पास दिमाग हो तो, दिमाग हो तो है ना उसे प्रयोग करें, तो उसे प्रयोग करें। चलिए यदि तुम्हारे पास घड़ी हो, यदि या अगर एक ही चीज है, ठीक है ना, तुम्हारे पास घड़ी हो, तुम्हारे पास घड़ी हो तो तुम, तो तुम मुझे समय बताना। इस सब में चाहिए का बात है, इस सब में चाहिए का भाव है, ठीक है ना। चलिए ये सारी बातें बनेंगे है ना शुड प्लस भी वन से। चलिए यदि तुम्हारे पास समय हो तो मुझसे मिल लेना कैसे बना है, इफ यू हैव टाइम यू शुड कंसल्ट या मीट मी। चलिए आगे देखते हैं, यदि मोहन के पास नया कोट हो तो वह पहने, इसको कैसे बनेगा, इफ चलिए इसको कैसे बनाएंगे, इफ मोहन हैज, इफ मोहन हैज, ठीक है ना, टाइम, ठीक है ना, चलिए ही शुड, ही शुड, ठीक है ना, पुट ऑन, सॉरी टाइम, सॉरी कोट, सॉरी यहां पर कोट होना, टाइम नहीं कोट होना चाहिए, इफ मोहन हैज, ठीक है ना, चलिए इफ मोहन हैज अ कोट, है ना, यहाँ कोट होना चाहिए, इफ मोहन हैज अ कोट ही शुड पुट ऑन, चलिए उसे पहनना चाहिए, है ना, तो वो पहने। चलिए यदि तुम्हारे पास दिमाग हो तो उसका प्रयोग करो, ठीक है ना, इफ यू हैव, कैसे लिखेंगे, इफ यू हैव माइंड, माइंड यू शुड, है ना, यू शुड, है ना, यूज इट, तो तुम उसका प्रयोग करो। चलिए यदि या अगर तुम्हारे पास घड़ी हो तो मुझे समय बताना, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, इफ यू हैव अ वॉच, If you have a watch, है ना, चलिए you should, है ना, tell me the time, you should tell me the time। तो ये हमारा इस तरह से वाक्य बना। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है, खास तौर पर ये इसमें सारे हम लोगों ने जितने भी ट्रांसलेशन देखे हैं उसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के प्रयोग से बनने वाले ये वाक्य हैं। आगे के समय में और भी एक्साइटिंग ट्रांसलेशन की वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आप हमारे चैनल यूएस वर्चुअल के साथ जुड़े रहें। यदि आप नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलने वाला है। आज की बात बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।